सो है गाइस, वापस से स्वागत है आप सभी को रन गेमिंग के बारे में मजेदार वीडियो पे। आ रहा हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं पार्ट वन। जैसे कि आप सबको पता है, इस वर्ल्ड में रहते हैं चार चार टावर बॉसेस, जिनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इनके पास डार्क टाइप, फायर टाइप, वाटर टाइप, ग्राउंड टाइप, हर टाइप के पोकेमॉन्स का अटैक स्किल्स होता है। तो आज हम सारे टावर बॉसेस को बीट करके निकालने वाले हैं और यह भी चेक करने वाले हैं कि इन सारे टावर बॉसेस से कौन से टाइप के अटैक स्किल्स हमें मिलता है। सो गाइस लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग फिलहाल आ चुके हैं हमारे इस नए प्यारे से ब्रीडिंग बेस में और मेरे पीछे आ चुका है जेट्रा ड्रैगन। ओ भाई, इसको मैंने काफी मुश्किल से बिगड़ा है और ये पूरे पार्ट वॉल में सबसे ज्यादा खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेकिन गाइस, इससे भी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन है वो सारे टावर बॉसेस जिसके पास काफी तगड़े तगड़े अटैक स्किल्स होते हैं। फिलहाल हम लोग आज उन सारे टावर बॉसेस को ब्रीड करके निकालने वाले हैं और ये भी देखने वाले क्या हमें उन सारे पोकेमॉन से वो अटैक स्किल्स मिलता है जो सारे टावर बॉसेस के पास रहता है। तो फिलहाल के लिए मैंने हर एक ब्रीडिंग फार्म में केक्स रख दिया है। अभी हमें यहाँ पर ब्रीडिंग बस स्टार्ट करना है और अभी फिलहाल सबसे पहला जो ब्रीडिंग होने वाला है वैनवर्म के साथ एनुबिस का, और इससे हमें बहुत ही खतरनाक एक टावर बॉस पोकेमॉन मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का ब्रीडिंग स्टार्ट करा देता हूँ। ओके, एनुबिस को डाल दिया। अभी हम लोग को लाना पड़ेगा वैनवर्म को। और वैनवर्म कहाँ पे जा रहा है आशा भाई? तेरा ब्रीडिंग कराने वाला हूँ आज, तो वो भी एनुबिस के साथ। एनुबिस दिखने में थोड़ा सा ह्यूमन टाइप लगता है, लेकिन भाई बहुत ही मजा आने वाला है आज ये वाले सीरीज में। ओके, वैनवर्म के साथ एनुबिस का यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है और वैनवर्म का आते आते सो गया भाई। मेल फीमेल नॉट प्रेजेंट, क्या बात है, दोनों ही मेल आ जाए का? मैंने ये देखा ही नहीं, दोनों ही मेल हो चुका है। आई थिंक एनुबिस भी मेल एंड वैनवर्म तो फीमेल है भाई, ये क्या सीन है? एनुबिस है लेकिन वैनवर्म नहीं है। ये दोनों मेल फीमेल तो ठीक ही है, लेकिन ये लोग भाई अभी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा है? ब्रीडिंग चालू कर दे भाई फटाफट, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मेल फीमेल ही रखा है यहाँ पे, व्हाट द हेक, ये कैसे हुआ? ओके सो गाइस, फाइनली हमारा यहाँ पर सबसे पहला ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है वैनवर्म के साथ एनुबिस का, और ये लोग थोड़ी देर में एक अंडा देने वाला है। और यहाँ पर कितने सारे केक्स है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 9 केक्स है, ये लोग 9 अंडा देने वाला है। और एक मर्चेंट भी आया भाई, इसको पकड़ लेते हैं। रुको गाइस, ये काफ़ी काम का चीज़ है। आजा आजा बेटा आजा। अरे आ नहीं रहा है भाई, मैं पिस्टल से मारूँ क्या? यार एक गोली में मर गया, एक गोली में मर गया। इसको मारना नहीं चाह रहा था, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े गेम में छोटी छोटी बात होता रहता है। एंड गाइस, अभी हम लोग अपना दूसरा ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाला है जो होने वाला है मोसांडा के साथ रेहॉन्ट का। भाई साहब ये दोनों, रेहॉन्ट एक काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और ये दिखने में फॉक्स जैसा लगता है, लेकिन भाई इसका पास काफी तगड़ा एबिलिटी रहता है। एंड आप लोग तब तक गेस लगाओ इनसे कौन सा बॉस पोकेमॉन निकलने वाला है। एक है इलेक्ट्रिक टाइप एंड और एक है ग्राउंड टाइप, एंड इसके पास जो अटैक एबिलिटीज रहता है वो तो आपको पता ही है। काफी बढ़िया सा यार यहाँ पर बॉस पोकेमॉन निकलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनली गाइस, यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है मोसांडा के साथ रेहॉन्ट का। एंड मोसांडा को शायद सुबह सुबह भूख लगा यार, ये देखो पहले खाना खाएगा उसके बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा। यहाँ पर काफी सारे मैंने बैरिज भी रखा है। अभी गाइस, तीसरा जो ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है मोसांडा के साथ और एक बहुत ही खास पोकेमॉन का। ये काफी रेयर पोकेमॉन है, ये काफी जल्दी आसानी से मिलता नहीं है, इसको मुझे और भी ब्रीड करना पड़ेगा, ब्रीड करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम इन दोनों को डाल देता अपने ब्रीडिंग बेस में। और ये क्या भाई, इन लोगों ने तो अंडा भी देना स्टार्ट कर दिया। सबका अंडा मैं एक साथ में ही खोलने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर लगा दिया पैटिलिया को। एंड मोसांडा कहाँ पे गया यार? मोसांडा कहाँ पे घूम रहे तू यार? तेरे साथ आज ब्रीडिंग होने वाला है, काफी बड़ा सा पोकेमॉन निकलने वाला है इन लोगों के ब्रीडिंग से। ओके, तो इनको यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है, बट नॉट इनफ केक दिखा रहा है। यहाँ पर केक नहीं दिया था क्या मैंने? ओके, यहाँ पर 8 केक दे दिया अभी फिलहाल। देखो गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोकेमॉन आने वाला है और इन लोगों ने अभी तक 4 अंडा दे दिया है, क्या बात है भाई। और यहाँ पर देखो, ओ भाई साहब, इसमें से तो कुछ लगता है ह्यूज पोकेमॉन निकलने वाला है। और इसका पावर क्या होने वाला है? आई गेस ये फायर टाइप पोकेमॉन हो सकता है। एंड गाइस, अभी हमारा चौथा पोकेमॉन बॉस पोकेमॉन को हम लोग ब्रीडिंग करने वाले हैं जो होने वाला है एस्ट्रेगन के साथ। और मेरे पास एस्ट्रेगन है वैसे एक ही, ठीक है, एस्ट्रेगन के साथ किटसन का। भाई साहब ये वाला पोकेमॉन मेरे पास आई थिंक एक भी नहीं है, मैं पहले चेकआउट कर लेता हूँ ये पोकेमॉन को मैंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। और ये देखो गाइस किटसन, इसको मैंने अभी तक नहीं पकड़ा यार। और ये कहाँ पे मिलता है एक बार चेक कर लेते हैं। यार इसको मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, कहीं पे भी मिलता नहीं है। ओके, ये सिर्फ नाइट के टाइम में मिलता है, डे के टाइम में ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। हम लोगों को आज रात को ही जाना पड़ेगा किटसन को पकड़ने। और ये मिलता है इसी आइलैंड में,
क्या बात है। तो हम लोग फिलहाल गाइस रात होने के इंतजार करते हैं एंड रात होने में अभी काफी टाइम लगने वाला है, तो फटाफट से गाइस अभी फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी किसी टावर बॉस से फाइट लेता है, जिसके बाद आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा भाई इस टावर बॉस के पास कैसा अटैक पावर रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने वाला है कौन से वाले टावर बॉस से। यहाँ पर मिलता है ग्रीस बोल्ट, यहाँ पर मिलता है आई थिंक शैडो विक मिलता है, यहाँ पे मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है मैं कन्फर्म नहीं हूँ। एंड यहाँ पर मिलता है शायद से फैलरिस मिलता होगा, एंड यहाँ पर कौन सा मिलता है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन पर। पाल जेनेटिक रिसर्च यूनिट टावर में कौन सा पोकेमन मिलता है मुझे पता नहीं है, जाके देख लेते हैं यार क्या बात है। अब लोग हम जा भी सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ का फर्स्ट लेवल भी अनलॉक कर दिया था काफी पहले। फटाफट चलते गए अंदर और अंदर जाके देखते हैं कौन सा पोकेमन है यहाँ पे। इस बॉस पोकेमन को हम लोग आज ब्रीड करने वाले हैं, वैसे इसको पकड़े या ना पकड़े इसको हम लोग ब्रीड तो जरूर करेंगे। ओ भाई ओके यहाँ पे सैडोविक मिल रहा है भाई, मैं तो सोचा था सैडोविक वहाँ पे मिल रहा था। ओके 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 सैडोविक मेरे साथ फाइट लेना शुरू कर दो। ओ तेरी भाई साहब क्या ही खतरनाक सैडोविक है ये, इसके साथ मैं अपना जेट ड्रैगन का अटैक स्टार्ट कर दूं क्या। ओके हम लोगों ने यहाँ पर जेट ड्रैगन का छोड़ नहीं मैंने गलती से यहाँ पर पैराडिस को छोड़ दिया जेट ड्रैगन को छोड़ता है। चल बेटा जेट ड्रैगन देखते हैं कैसा अटैक देता है सैडोविक के ऊपर। और सैडोविक का हेल्थ देखो गाइस 200,000 है भाई, 200,000 भाई साहब इसके पास देखो फायर का भी अटैक है, आइस का भी अटैक है। वो देखो जेट ड्रैगन को किस तरीके से उसने फ्रीज कर दिया है। इसके साथ तो यार फाइट लेना बेकार ही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमन है और ये मेरा आर्मर सारे डैमेज भी दे रहा है। फटाफट से गाइस यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं, क्योंकि यार इसके साथ फाइट लेना अभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये हमें काफी आसानी से हरा सकता है। इसको हराने के लिए हमें इसके जैसा ही एक पावरफुल सैडोविक ब्रीड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग अभी फिलहाल अपने ब्रीडिंग बेस में आते हैं एंड देखते हैं यार सैडोविक कौन से वाले पोकेमन से निकलता है। फिलहाल गाइस सबसे पहला टावर है यहाँ पर जिसको मैंने डिफीट कर दिया है, रायनी सिंडिकेट टावर इस टावर का नेम है। और सच में बताऊं गाइस यहाँ पर जो पोकेमन रहता है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो देखो सबसे पहले तो इनके साथ मैं फाइट स्टार्ट कर देता हूँ। ये होता है ग्रीस बोल्ट भाई, इसका हेल्थ देख लो भाई 30,000। ये तो छोटा सा टावर पोकेमन है भाई, धीरे धीरे हम लोग सारे टावर में भी जाने वाले हैं एंड मैं दिखाने वाला हूँ कैसे टाइप का यहाँ पर पोकेमन मिलता है। और फिलहाल देखो गाइस इस ग्रीस बोल्ट को मेरे पास जो लीजेंडरी पोकेमन है वो काफ़ी आसानी से डिफीट कर देगा आई थिंक। अभी पहले मेरे हाल इसके आगे जेट्रा ड्रैगन को छोड़ा है और देखते हैं जेट्रा ड्रैगन क्या ग्रीस बोल्ट को डिफीट कर पाएगा, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पोकेमन है भाई जेट्रा ड्रैगन। यार ग्रीस बोल्ट तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मार जेट्रा ड्रैगन। ओ भाई जेट ड्रैगन तो काफी आसानी से इसको मार देगा मुझे ऐसा लग रहा है, एक ही अटैक में 30,000 यार 4,000 हेल्थ कर दिया इसका 30,000 से। अब तो ये मरने वाला है, लेकिन गाइस देखो यार सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना हम लोग ये पोकेमन को बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हम लोग इसको ब्रीडिंग कर रहे हैं। देखो किस तरीके से अटैक दे रहा है जेट ड्रैगन, उसको मर गया भाई साहब, ये तो काफी आसानी से मर गया गाइस। लेकिन गाइस इसके बाद जो टावर बॉस के साथ हम लोग फाइट लेने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पोकेमन है। और अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं, ये फर्स्ट टावर था, हम लोग जाने वाले अभी सेकंड टावर में। सेकंड टावर है यहाँ पर जो काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमन है भाई। सबसे पहले तो इनके साथ मैं फाइट स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो गाइस यहाँ पर रहता है लेलिन, इसके साथ मैं अपना जेट ड्रैगन का फिर से फाइट लगाने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं देखना चाहता हूँ जेट ड्रैगन क्या इनको सबको हरा सकता है कि नहीं। देखो जेट ड्रैगन मुझे लग रहा है इसको भी काफी आसानी से हरा देगा। वो देखो लेलिन के पास पॉइजन का भी पावर है और ये मेरे साइड में आ रहा है भाई, मार जेट ड्रैगन मार। ओ तेरी इसका हेल्थ देखो भाई काफी आसानी से डाउन कर रहा है ये। एंड देखो गाइस इसके पास ग्राउंड का भी अटैक है भाई। ओ नो 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 नो, ये मुझे मारने वाला था। 69,000 हेल्थ है, पिछले वाले बॉस का हेल्थ था 30,000, इसका हेल्थ है 69,000। एंड नेक्स्ट टावर बॉस का हेल्थ कितना है वो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। पहले तो इसको डिफीट कर देते हैं फटाफट से, मार जेट ड्रैगन जल्दी जल्दी मार यार, मैं भी थोड़ा मारना शुरू कर दूं क्या। और देखो गाइस इसने मेरा जेट ड्रैगन का हालत भी खराब कर दिया है। नहीं, ये जेट ड्रैगन को मार देगा, दूसरे पोकेमन को छोड़ता है। फिलहाल हम लोग नेक्रोमास को इसके आगे छोड़ने वाले हैं।
ओ तेरी नेक्रोमास तो यार काफी आसानी से अटैक ले रहा है। ओ नो 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 नो, ये मेरे ऊपर अटैक दे रहा है अभी फिलहाल, मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। देखो यार एक ही बार में 5000 हेल कर दिया इसका, काफी बढ़िया अटैक दे रहा है नेक्रोमास। मैं अपना एमओ वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसके आगे, तो इसके आगे मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन से काफी है। और देखो गाइस इसको भी हम लोग पकड़ नहीं सकते, इसके आगे हम लोग अल्ट्रा स्पेयर लेजेंडरी स्पेयर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, लेजेंडरी स्पेयर फेंक रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको पकड़ नहीं सकते हैं। और मुझे लग रहा है नेक्रोमास इसको मार ही देगा, फिर भी एक फेंक के देखता हूँ। ये देखो गाइस नहीं आया, ये नहीं आया, नहीं आया भाई, अंदर नहीं आ रहा है, ये देखो नहीं आ रहा है। मेरे सारे लेजेंडरी स्पेयर बर्बाद हो रहे हैं इसके आगे। नेक्रोमास जल्दी जल्दी अटैक दे। ओके इसको भी एलिमिनेट कर दिया है मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने। अभी गाइस देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन जो मिलता है उसका हेल्थ कैसा होता है एंड उसका अटैक पावर कैसा होता है। अभी जाने वाले हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद आता है ये वाला, इसको मैंने अभी तक डिफीट नहीं कर पाया भाई क्योंकि इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, अनबिलीवेबल भाई अनबिलीवेबल, ठीक है ना। इसका हेल्थ था 70,000, लगभग 70,000 था, 69,000 70,000 बोल सकते हैं वैसे तो। एंड लेकिन गाइस इसका हेल्थ देखो अभी फिलहाल कितना है। ओ तेरी, यहाँ पर रहता है PIDF टावर बॉस और ये सारे PIDF है। और देखो भाई ये दिखने में ही तो काफी खतरनाक लग रहा है भाई साहब। ये कौन सा बंदा है यार, इसका नेम क्या है? ओ भाई फैलरिस रहता है यहाँ पे भाई साहब। फैलरिस एक फायर टाइप पोकेमॉन है भाई, इसके पास फायर का भी अटैक रहता है एंड ग्राउंड के सारे अटैक इसको आता है। रुको गाइस दिखाता हूँ मैं। और देखो इसका हेल्थ पहले चेकआउट करते हैं, 1,46,000 भाई। इसके साथ अटैक लेने के लिए मेरे पास जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन है उनमें से शायद जेटर डगन की अच्छे से फाइट ले सकता है, बाकी सारे पोकेमॉन तो भाई कुछ काम का नहीं आएगा क्योंकि ये उड़ उड़ के अटैक देता है ना, फ्लाई टाइप पोकेमॉन है ये। और वो देखो जेटर डगन का हेल्थ देखो उसने कैसे बर्बाद कर दिया भाई साहब। जेटर डगन तो इसके आगे मर रहा है यार, मर रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा जेटर डगन। देखो भाई यार इलेक्ट्रिक अटैक भी दे रहा है, इसको हर एक अटैक आता है, फायर टाइप, ग्राउंड टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप, भाई जो भी बोलूं हर एक अटैक आता है। वो देखो ये ग्राउंड टाइप अटैक था, ठीक है ना। अभी कौन सा अटैक देने वाला है, फायर टाइप अटैक दे रहा है अभी। देखो भाई 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 ये काफ़ी खतरनाक पोकेमॉन है यार, इसके साथ फाइट लेना मामूली सी बात नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए इसके जैसा ही एक पावरफुल फैलरिस पोकेमॉन। और फिलहाल मैं इसके साथ फ्रॉस्ट लैंड का फाइट कर रहा हूँ। और वो देखो फ्रॉस्ट लैंड का हालत वो कैसे थोड़ी देर में बिगाड़ देगा। देखो अभी फ्रॉस्ट लैंड को उसके साथ अटैक दे रहा है। और भाई देखो यार फ्रॉस्ट लैंड तो उसके आगे, देखो देखो भाई हेल्थ कितना कम कर दिया एक ही अटैक में यार। इसके साथ तो अटैक करना बिल्कुल ही बेकार है, तो गाइस फटाफट से यहाँ से भाग चलता है। मैंने जस्ट दिखा दिया आप लोगों को इसका अटैक कैसा होता है भाई। फैलरिस का भी पावरफुल पोकेमॉन है ये वाला बॉस। नॉर्मल वाला फैलरिस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन गाइस मेन जो बॉस फैलरिस होता है ना वो काफी पावरफुल है। अभी गाइस हम लोग जाने वाला है फिफ्थ टावर बॉस के साथ फाइट लेने, जो यहाँ पर रहता है एकदम से लावा वाले आइलैंड में। और इसका टावर बगल में ही है भाई ये वाले फर्स्ट टावर के। देखो गाइस यहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा होता है। यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन रहता है देख लेता है। और इसके अंदर रहता है गाइस ओजर्क भाई, ये वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और क्या है गलती से यार मैंने इसका गेल क्लॉक को छोड़ता, रुक जा बेटा गेल क्लॉक तेरे साथ फाइट नहीं लेना, उसका पैलेट इसको छोड़ते हैं इसके आगे। और वो देखो भाई इसके पास लाइटनिंग का भी काफी खतरनाक अटैक होता है। और इसका हेल्थ देखो यार 1,30,000 यार, हर एक पोकेमॉन का हेल्थ 1,00,000 से ऊपर है। स्टार्टिंग के दो पोकेमॉन का हेल्थ लगभग 1,00,000 से नीचे था, 30,000 60,000 उसके बाद 1,50,000 2,00,000। और इसका देखो यार 1,30,000, इसको भी डिफीट करना काफ़ी मुश्किल है गाइस। फिलहाल गाइस हम लोग रात का टाइम हो चुका है आई थिंक, हम लोग फटाफट से चलते हैं किट्सुन को पकड़ने के लिए। एंड किट्सुन के साथ हम लोग एस्ट्रागन का फिलहाल के लिए ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बाद आई थिंक मुझे एक बढ़िया सा बॉस पोकेमॉन मिल जाएगा। किट्सुन मिलता है इसी आइलैंड में, ठीक है ना। अभी रात का टाइम हो चुका है, ओके थोड़ी देर में होने वाला है रात का टाइम, अभी आई थिंक आ जाएगा किट्सुन आ जाएगा। जल्दी जल्दी जैसे चलते हैं हम लोग उस आइलैंड में। अभी फिलहाल मैं पैलेडियस को नहीं ले जाऊंगा, अभी फिलहाल एक फायर टाइप पोकेमॉन ले चलते हैं। मेरे पास सुजाकू है, सुजाकू को ले चलते हैं।
ओके, अंधेरा होने से पहले मैं आ गया थोड़ा सा। ये कौन सा है? ओके, ये चीलेट है भाई। चीलेट को नहीं पकड़ना है हमें, हमें किट्सुन चाहिए। काफी रेयर पोको है जो रात के टाइम ही यहीं पे मिलता है। ओके, फॉक्सेल है यहाँ पर एक, ये भी वन काइंड ऑफ रेयर पोको है। इसको ही पकड़ लेते हैं, इसको भी पकड़ लेते हैं। मेरे पास हाइपर स्पर है, अल्ट्रा स्पर 9 है। आई थिंक ये अल्ट्रा स्पर में आ जाएगा। रुको, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। बेटा रुक जा, रुक जा, इतना ज़्यादा अटैक लेने का काफ़ी ज़्यादा थोड़ा वो है ना, जल्दी है। आई थिंक आ जाएगा एक ही स्पेयर में। ये तो 90% कैप्चर रेट। ओके, 100% होने वाला भाई। फॉक्सेल मेरे पास 2 हो चुका है अभी फिलहाल, ठीक है, ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर अंडा है एक। किस चीज़ का अंडा है भाई? बहुत बड़ा अंडा है वैसे तो। ये मुर्गी का अंडा नहीं लग रहा यार, पता नहीं किसका अंडा है ये। मुर्गी का अंडा इतना बड़ा नहीं होता है भाई, थोड़ा सा छोटा रहता है, वो सफ़ेद कलर का होता है, पता नहीं। और ये देखो, यहाँ पर हमें एक ह्यूज एग मिला है गाइस। इसको मैंने उठा लिया, इसको मैं बाद में निकालने वाला हूँ। देखेंगे इसके अंदर से कौन सा पोकेमोन निकलता है। और ये वाले जगह को मैंने अच्छे से अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है यार। अभी तक मुझे एक भी फॉक्सेल नहीं दिख रहा है। फॉक्सेल कहाँ पे है? ओके, इसी आइलैंड के आगे मेरा बेस है। वो देखो, मेरा बेस यहीं से दिख रहा है भाई। काफ़ी सुंदर लग रहा है दूर से यार, क्या बात है। मैंने तो ये चीज़ देखा भी नहीं। रेंडिक्स है यहीं की साइड में। रेंडिक्स नहीं चाहिए हमें, फॉक्सेल चाहिए। फॉक्सेल क्योंकि फटाफट हम लोग ढूंढते हैं। नो, अटैक स्टार्ट कर रहे हैं, रेंडिक्स के साथ। ये तो अटैक नहीं करना भाई, फॉक्सेल मिल जाए बस। फॉक्सेल बोल रहा हूँ, एक हमें किट्सुन मिल जाए, एक दो तभी हो जाएगा। ओ देखो, एक किट्सुन दिख गया भाई, एक किट्सुन दिख गया। इसको मारते हैं, 30 लेवल का है ना, इसके आगे अल्ट्रा स्पर फेंकता है। रुको गाइस, एक गोली मारा, दो गोली, अभी आ जाएगा। आ जा बेटा। ओ तेरी, ये किट्सुन रहता है भाई आइस में रहता है, एंड इसका अटैक पावर देख रहो भाई, डार्क टाइप अटैक दे रहा है, एंड भाई फायर टाइप अटैक दे रहा है यार, गजब ही है। ये रहता है आइस में, अटैक देता है भाई साहब, फायर टाइप डार्क टाइप, क्या ही बात है। अब तो आ जा, 100% दिखा रहा है भाई, अब तो आ ही जाएगा। चलो गाइस, किट्सुन सबसे पहला पोकेमन मैंने इसको पकड़ा है, मतलब ये फास्ट पोकेमन है जिसको मैंने पकड़ा है किट्सुन। अभी तक मैंने एक भी किट्सुन नहीं पकड़ा था, और एक दो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा था, मेल या फीमेल था, वो भी देखना पड़ेगा। क्या पता ये फीमेल हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है? ये सुई है भाई, काफ़ी छोटा लग रहा है। एक फॉक्सेल दिखा, और एक दो दिख जाता। ओके, देखो ऊपर और एक है, ऊपर और एक भाई। ये रात के टाइम में दिखता है यार, दिन के टाइम में पता नहीं कहाँ पे गायब ही हो जाते हैं ये लोग तो। आई थिंक ये भी आ जाएगा। अरे अरे अरे, अल्ट्रा स्पर खत्म हो रहा है मेरे। आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जा, चल चल चल। अरे भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, क्या बात है। नहीं भीग रहा है भाई, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अब तो चला जा। ओके, लग चुका है उसको पल स्पेयर, एंड आ चुका है। कोई अच्छा सा स्किल्स वाला किट्सुन नहीं मिल रहा यार। अच्छे स्किल्स वाला एक किट्सुन मिल जाता ना तो काम पे बन जाता भाई। अभी तक 2 ही किट्सुन मिला है ना, और 2 को पकड़ लेते। रुको यार, अब तो अब मिल ही नहीं रहा है किट्सुन, 2 ही दिखा था। इतना कम मिलता है, देखो इतना कम मिलता है ये पोकेमन। यहाँ पर रेंड्रिक्स है एक, लेकिन किट्सुन नहीं है भाई, किट्सुन चाहिए। और एक ओके, मिला और एक मिला 29 लेवल का। इसको थोड़ा सा डैमेज देता है पहले। आई थिंक आ जाएगा, आ जा भाई आ जा। 70%, आ जा 66%, 100%। ओके, 3 किट्सुन मैंने पकड़ लिया। आई थिंक इन तीनों से काम बन जाएगा, और एक दो मिल जाता तो सही रहता, बट कोई बात नहीं। हम लोग आज फटाफट से चलते हैं अपने बेस में, और मेरा बेस बगल में ही है भाई। फर्स्ट ट्रेवल यूज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो मैं उड़ के भी आ सकता था। ओके, वहाँ पे एक फर्स्ट ट्रेवल है जिसको मैंने अनलॉक भी नहीं किया है। मुझे लगा था पीछे और एक किट्सुन आ रहा है, लेकिन नहीं है। वहाँ पर कौन सा फर्स्ट ट्रेवल है जिसको मैंने अनलॉक नहीं किया अभी तक, पता नहीं। इस साइड में, अच्छा यहाँ पर मैं गया नहीं ना, ये वाले एरिया में है वो फर्स्ट ट्रेवल। ठीक है, बाद में जाएंगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो वाले जगह को। ओके, सो गाइस, हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि अभी काफी काम है मुझे कल सुबह। एंड फटाफट से सो के हम लोग ब्रीडिंग भी स्टार्ट करने वाले कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुका है एक प्यारा सा सुबह, और अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले अपने ब्रीडिंग बेस में। सबसे पहले तो देख लेता हूँ ये वाले बेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। एंड यहाँ पर केक्स भी हो गए क्या, देख लेते हैं। ओके भाई, काफी जल्दी जल्दी केक्स हो रहा है। 12 केक्स अभी हो चुका है, और 4 केक्स ओके प्रोड्यूस कर दिया फटाफट। 4 केक यहाँ पर शायद काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है केक प्रोड्यूस करने में? आई थिंक जर्मुंटाइड इग्निस काम कर रहा है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं, मेरे पास जो किट्सुन आया है वो किट्सुन एक फीमेल है, एक मेल है। ओके, 2 मेल है, एक फीमेल है। एंड ये वाला एस्ट्रेगन फीमेल है, तो हमको मेल वाला चाहिए एक। ओके, 29 लेवल का है ये। 2 वॉक्सलेव एंड बटमलेस मोमक। ओके, मुझे ये वाला ले लेता यार। स्किल्स तो काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है,
लेकिन इन्हीं से काम चल जाएगा। बाद में हम लोग उनको जब मैक्स करने वाला है तब सारे स्किल्स उनके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सबसे पहले तो इनका ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। आ जा एस्ट्रागन बेटा, देखते ये कौन सा पोकेमन निकालता है। अच्छा अच्छा भाई, ये आ क्यों नहीं रहा है? इसको पकड़ना तो काफी मुश्किल है। ये देखो ना बोल रहा है यार, ये पता नहीं क्यों ना बोल रहा है। बेटा आजा, तो काफी ऊपर भी रहता है। रुको गाइस, इसको दोबारा से डालता हूँ बॉक्स में। पकड़ में नहीं आ रहा है यार, पकड़ में आजा। क्या हो रहा है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी आ जा नीचे, नीचे आ जल्दी फटाफट। अब ले बेटा, ये नीचे नहीं आ रहा है, इसको बॉक्स में डालना पड़ेगा। आई थिंक सो इसको बॉक्स में डालना पड़ेगा। ये गुस्सा हो गया, ये काफी देर से ऐसा ही है ना। वो क्या है, पास में आ गया। अब इसको पकड़ सकते हैं, आप इसको पकड़ सकते हैं। यार अभी भी नहीं पकड़ सकता हूँ, क्या बात है। क्योंकि इसको पेट करना पड़ेगा आई थिंक सो। ओए आजा बेटा आजा। यार ये आ ही नहीं रहा है, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। ओहो नो नो नो, रेड आ गया भाई, रेड आ गया, रेड आ गया, रेड आ गया। देखते देखते रेड आ चुका है। कोई बात नहीं, मैं जट ड्रैगन को छोड़ देता हूँ। जट ड्रैगन काफ़ी है भाई, ये सारे मामूली से रेट के लिए। टुकु टुकु आ रहा है, काफ़ी सारे टुकु टुकु आ रहा है। इसको पकड़ना पड़ेगा एस्ट्रागन भाई, ये पकड़ में नहीं आ रहा था। अब मैं इसको कैसे डालूंगा ब्रीडिंग में, ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है। ओए भाई आ जा यार, मैं कब तक तुझे बुलाऊंगा। और जट ड्रैगन थोड़ा दूर जाना, इसके पास पास क्यों भटक रहा है, ये देख नहीं रहा, ये आ नहीं रहा है मेरे पास। ओके तो फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया भाई, काफ़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है। ओ तेरी गाइस, काफ़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर एस्ट्रागन के साथ किट्सुन का ब्रीडिंग स्टार्ट किया है। काफ़ी देर लगा भाई इसको असाइन करने में यहाँ पे। फिलहाल गाइस हमारे पास बाकी सारे पोकेमॉन्स का अंडा यहाँ पर निकल चुका है, तो एक एक करके सबका अंडा मैं यहाँ से निकलता हूँ और देखते हैं गाइस यहाँ से क्या निकलता है। ह्यूज वर्टेंट एक मिला है मुझे। अरे अरे अरे, मेरे पास और एक ह्यूज वर्टेंट एक था पहले से, आई थिंक ये वाला होगा। आई थिंक मैंने सही एक को यहाँ पर लगा दिया है। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इनमें से कौन सा पोकेमॉन निकलता है, देखते हैं गाइस। और ये निकलने में 14 मिनट लगने वाला है। ओके एंड यहाँ पर कौन सा, ओके यहाँ से शायद इलेक्ट्रिक टाइप एक पोकेमॉन निकलने वाला है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसको भी होने में 15 मिनट लगने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है भाई। और यहाँ से कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे, देखते हैं फिलहाल के लिए। 1 2 3 ओके, इन तीनों से कौन सा पोकेमॉन निकलता है, उसके बाद इन दोनों का चेकआउट करेंगे। फिलहाल तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनको ब्रीडिंग करने लगा दिया और इन लोगों ने लगभग आधा ब्रीडिंग कर लिया भाई। ये जैसे ही फुल हो जाएगा मुझे यहाँ से एक मिल जाएगा। और अभी गाइस हमारा नेक्स्ट कॉम्बो होने वाला है लेरेक्सोरस के साथ ग्रिसबोल्ट का। फिलहाल ग्रिसबोल्ट अभी तक मेरे पास एक भी नहीं है, तो ग्रिसबोल्ट पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ब्रीडिंग करके। और मुझे ऐसा लग रहा है ग्रिसबोल्ट ये वाला अंडे से निकलने वाला है, क्योंकि ये वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एक दिख रहा है, ठीक है ना। और ग्रिसबोल्ट भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। सो गाइस हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं ग्रिसबोल्ट जब तक ना निकले यहाँ से। और ये वाला ग्रिसबोल्ट कौन सा वाला निकलेगा वो पहले देखना पड़ेगा, मेल या फीमेल, उसके बाद ही हम लोग अगले टावर बॉस के लिए ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये रिलैक्सोरस को मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। चलो बेटा ब्रीडिंग फार्म में चले जाओ फटाफट। और यहाँ पर केक भी नहीं है, मैं जल्दी जल्दी और थोड़ा सा केक कुक करके लाता हूँ अपने मेन बेस से। ओके यहाँ पर 4 केक बनाने दिया था, केक तो बन चुका है, और 8 केक बना दो भाई। केक काफ़ी सारा बन रहा है वैसे यहाँ पर। और देखो वो चारमुंडा डिग्नीज आ रहा है केक बनाने के लिए। ओके एग्स बढ़ रहा है, ठीक है। ओके 7x है यहाँ पे। ये लोग पता है एग्स भी खा लेते हैं, अगर फ्रूट नहीं मिलता है तो एक कुछ भी खा लेंगे ये लोग। ओके 471 यहाँ पे बेक्ड बेरीज है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ये लोग वरना एक खा लेंगे, एक एंड मिल्क खा लेंगे। सबसे फर्स्ट लॉट में रहते हैं ना, फर्स्ट लॉट में से जो रहता है वही खाते हैं ये लोग, ठीक है। अभी लेटूस पे, अरे यार ये तो एक मिनट में गायब हो जाएगा। यहाँ पर पता नहीं भाई फ्रूट स्पॉइल हो जाता है, ठीक है ना। ये टाइमर लगा हुआ है इन सारे फ्रूट्स के आगे, अभी थोड़ी देर बाद ही ये स्पॉइल हो जाएगा आई थिंक। देखते हैं ये स्पॉइल होता है कि नहीं होता है, मुझे देखना है। अभी तक मैंने देखा नहीं है ये स्पॉइल होता है कि नहीं होता है, मुझे जितना तो लगता है ये स्पॉइल हो जाता है। 36 सेकंड्स बचा हुआ है, 36 सेकंड बाद चेकआउट करेंगे ये लेटूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोबारा से हमें यहाँ पे। फिलहाल थोड़ा सा और यहाँ पर मैं लेटूस सलाद भी बना देता हूँ, 23 या फिर ऑमलेट सलाद बना देते हैं ना, सलाद बना देते हैं। एंड यहाँ का लेटूस, ओके ये एक बचा हुआ है, देखता है। बाकी सारे मैंने सलाद में बना दिया, ठीक है ना। और एक का ये गायब होता है कि नहीं होता है वो चेक करेंगे। 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, ओ तेरी भाई 1 सेकंड होते ही ये गायब हो गया। गाइस ये बहुत ही बुरी चीज़ है वैसे तो, खाना ऐसे तो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा मेरे। और देखो यहाँ पर मिल्क भी नहीं है, इसीलिए शायद मिल्क वगैरह मैं अपने कूलर में नहीं रखा था, इसीलिए शायद चला गया। देखो 2 मिल्क है, 9 अंडा है यहाँ पे।
यार पता नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सारे खाने को अभी कूलर बॉक्स में कौन लेके जाएगा ऊपर। यहाँ पे भी है, यहाँ का भाई काफ़ी यहाँ पर तो कूलिंग चल रहा है इसीलिए अभी तक ठीक ठाक ही है, लेकिन ये नीचे भी आके कूलिंग दे रहा है आई थिंक सो। देखो या फिर ये ऊपर ही कूलिंग दे रहा है। भाई ये नीचे कूलिंग दे रहा है कि ऊपर कूलिंग दे रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ये हवा में बैठा हुआ है, कुछ तो ग्लीच हो गया होगा इसके साथ। वो भाई यहाँ पर बैरिज बनाने दिया था अभी अभी, सारे बैरिज इन लोगों ने बना दिया फटाफट से, क्या बात है। सॉरी सैलाड बनाने दिया था, सैलाड भी बना दिया ठीक है ना। अच्छा जर्मुंडा डिग्निस बना दिया शायद, सैलाड बनाने दिया था। सबसे पहले तो देख लेते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या ये वाले बेस पे। मुझे थोड़ा सा अल्ट्रा स्पेयर चाहिए था, अल्ट्रा स्पेयर थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते गाइस। तब तक आई नीड सम अल्ट्रा स्पेयर। यार अल्ट्रा स्पेयर के लिए कार्बन फाइबर नहीं है, कोई बात नहीं हमारे पास कोल की कमी नहीं है बिल्कुल भी। कार्बन फाइबर चारकोल से नहीं कोल से बनाएंगे, 4000 कोल है भाई, कोल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 500 एक बार बनाने दे देंगे कार्बन फाइबर। चलो 500 कार्बन फाइबर बनाने दे दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे ओके कोई तो आ रहा है बनाने के लिए, कौन आ रहा है? ओके एनुबिस आ रहा है बनाने के लिए, बना दे मैं फटाफट। मैं थोड़ा सा पैल्डियम भी बना लेता हूँ कि ये काम का चीज़ है। 7000 स्टोन जमा हो चुका है भाई, मैक्स बना लेते हैं। चलो 1400 थोड़ा फ्लावर भी बना लेते हैं, 455 चलो भाई सब ओके। अजूरबेन सुजा को एक्वा आ चुका है, लेकिन नीचे भी पानी चाहिए यार। अभी पानी वाला एक पोकेमन मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे, वरना दिक्कत हो जाएगा। अभी फेलवेट को नहीं चाहिए, अभी हमें किसी को एक को तो हटाना पड़ेगा। बेकन को हटाते हैं ठीक है ना, बेकन को हटा के यहाँ पे एक वाटर टाइप पोकेमन को डालते हैं। सर्फेंटेरा अजूरोबी को डालो या सुजा को एक्वा को डालो, अजूरोबी की डालते हैं ठीक है। ये नीचे काम करेगा, नीचे खेती में थोड़ा सा ये हेल्प करने वाला है, फार्मिंग में थोड़ा सा ये हेल्प कर देगा। चलो दो दो अजूरोबी हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी सही है क्योंकि ये जल्दी जल्दी बना रहा है, कि ये भी जल्दी जल्दी बना रहा है। और एक अजूरोबी वो नीचे चला जा भाई, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है क्या यार? ये घूम रहा है इधर उधर, इसको उधर जा के पानी देना यार, इसको असाइन करना पड़ेगा आई थिंक, इसको उधर ला के छोड़ता हूँ मैं। चलो बेटा पानी दो, फटाफट से पानी दो। क्या हुआ, नो वर्क अवेलेबल? अच्छा इधर अभी वाटरिंग का काम नहीं है इसीलिए नहीं जा रहा है, वरना चला जाता। प्लांटिंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे प्लांटिंग हो रहा है, यहाँ पे प्लांटिंग हो चुका है। यार ट्रांसपोर्ट का कमी हो रहा है, देखो कितने सारे चीज़ें कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा कमी हो रहा है आई थिंक सो। ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिनेमैन को हटाते हैं ठीक है। सिनेमैन को हटाते हैं एंड सिनेमैन को हटाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे दूसरे कुछ को डालना पड़ेगा, गेल क्लो को। गेल क्लो ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला है, ट्रांसपोर्ट करने वाला है ऐसा पोकेमन मुझे देना पड़ेगा जो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करेगा ना, ऐसे पोकेमन चाहिए मुझे यहाँ पे। बेकॉन जल्दी करता है लेकिन बेकॉन को नहीं दूंगा, दूसरे किसी पोकेमन को देने वाला हूँ जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही करने वाला है। ओके वैनोम क्रिस्ट को दे सकता है, सी ब्लैक्स को नहीं कर रहा है। ओके सो गाइस हिल जेफर को हम लोग दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे, और यहाँ पर लेलिन नॉट को दे देता है। रुको एक लेलिन नॉट चाहिए मुझे यहाँ पे एंड एक चाहिए हिल जेफर। देखो लेलिन नॉट मेडिसिन भी बनाने वाला है एंड हैंड वर्क भी करने वाला है। चलो हिल जेफर सारे ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला अभी फिलहाल। और उधर और एक फैलरीज भी है जो, सॉरी ये रैगना हो गया, रैगना भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वैसे ठीक है। ओके सो फाइनली गाइस ये सारे एग्स रेडी हो चुका है, हम लोग एक एक करके देखने वाले कौन से एग से कौन सा पोकेमन निकलता है। सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रिक को निकालते हैं, मुझे लगता है यहाँ से ग्रीस बॉल निकलने वाला है। 1 2 3 वो भाई ग्रीस बॉल निकल चुका है। स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटेजिस्ट ओके, मुझे एक खास स्किल मिला है इससे तो। एंड बाकी और भी अंडे हैं यहाँ पे, इन सारे अंडे को लगा देता हूँ यार एक एक करके निकालने के लिए। एंड यहाँ से कौन सा निकलने वाला है, आई थिंक सो लेली निकला है। ओके लेली निकला भाई, काफी बढ़िया, ये भी बॉस है। और मुझे मेरे पास और एक ह्यूज वर्डेंट एक है, इससे कौन सा पोकेमन निकलता है ये देखता है ठीक है ना। ये मुझे अभी गिरा हुआ मिला था, मतलब उस आइस आइलैंड में मिला था। एंड यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। सारे अंडे को लगा देता हूँ, रुक गए सारे अंडे को लगा दो, काफी सारे मेरे पास वो है भाई क्या बोलता है, एक ही इनक्यूबेटर है। देखो उधर तीन तीन एक ही इनक्यूबेटर है भाई, यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रिक एक लगा देता हूँ, सारे ग्रीस बोर्ड एक ही बार में निकल जाएगा। और रात भी हो गया वैसे तो अभी। चलो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया ग्रीस बोर्ड। ओके मेरे पास ग्रीस बोर्ड आ चुका है भाई, देखता है भाई ये कैसा काम कर रहा है।
कैन रैपिडली फायर ए मिनिमम वॉयल अमाउंट। ओके भाई साहब, रिस बोल्ट पहली बार पकड़ा है। ये काफी शरारती पोकेमन लग रहा है भाई। देखो देखो कितना जल्दी जल्दी जा रहा है भाई साहब। और रिस बोल्ट का भी मुझे यहाँ पर ब्रीडिंग कराना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। इसका भी ब्रीडिंग अभी थोड़ी देर में चालू करने वाला है। रिस बोल्ट के साथ हम लोग ब्रीडिंग करने वाला है लिराक्सरस का। सॉरी, अरे अजा किधर जा रहा है भाई, तू तो बाहर ही चला जा रहा है यार। अभी गाइस हम लोग रिस बोल्ट के साथ लिराक्सरस का ब्रीडिंग कराने वाला है एंड देखने वाला है कौन सा पोकेमॉन निकलता है। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा भाई, रुक जा यार, ये चले जा रहा है तब से। सबसे पहले तो मैं इसको अंदर डालता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको। ओके, लिराक्सरस है यहाँ पे, ये फीमेल है एंड ये वाला ग्रिस बोल्ट कौन सा निकला है ये पहले चेकआउट कर लेते हैं। बाय लेवल करते, रुको ये सबसे लास्ट में होगा, वन लेवल का होगा ना। अच्छा इधर नहीं है। ओके ये देखो टू लेवल का हो चुका है। ओ भाई साहब, इसके पास लाइटनिंग का भी पावर है। देखो भाई साहब, स्ट्रांग होल्ड स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए तो ये फीमेल है, क्या बात है। ये फीमेल, ये भी फीमेल, तो लिराक्सरस मेल वाला डालते हैं। रुको, मेल मेल मेल। ओके मेरे पास मेल काफी सारे, लेकिन इनका भी लेवल कम है भाई। कोई बात नहीं, हमें बस वो पोकेमॉन चाहिए जो बॉस पोकेमॉन है, उसको हम लोग बाद में मैक्स करने वाला है। उसके बाद फिर उनको मैक्स करने के बाद हम लोग करने वाले हैं बहुत तगड़ा वाला फाइट बहुत सारे टावर बॉसेस के साथ। आप लोग बताओ गाइस कौन से पोकेमॉन को मैं सबसे पहले मैक्स करूं, जरूर से बताना मुझे कमेंट में। फिलहाल मैंने यहाँ पर ग्रिस बोल्ट के साथ लिराक्सरस का ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर केक नहीं है यार, केक चाहिए इनके लिए। मैं थोड़ा केक यहाँ से ले लूँ क्या? ओके यहाँ पे 6 केक है। ओके मेरे पास ऑलरेडी 5 केक है। ओके यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं 5 केक डाल देता हूँ, ठीक है। ये लोग ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, अभी फिलहाल ये तो सो गया है। चलो इनको सोने देते हैं, मैं सारे एक को वो कर देता हूँ, इनक्यूबेट होने लगा देता हूँ फटाफट। यहाँ पर और भी मुझे एक इनक्यूबेटर लगाना पड़ेगा, काफ़ी सारे एक इनक्यूबेटर है लेकिन और भी चाहिए यार, क्योंकि काफ़ी सारे एग्स मुझे अभी इनक्यूबेट करना पड़ेगा इन सारे पोकेमॉन को मैक्स करने के लिए। लगभग 300 to 400 पोकेमॉन्स तो इनक्यूबेट होने वाला है भाई आज। वो मैं ये वाले एपिसोड में नहीं करने वाला हूँ, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं, वरना ये वाला एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके हम लोगों ने 2 एग निकाल दिया ना, और एक को निकालना पड़ेगा। ओके ये ह्यूज फायर सॉर्चिंग एक से क्या निकलता दिखता है भाई। फायर टाइप पोकेमॉन निकलने वाला है। 1, 2, 3 फैलरिस निकला है भाई। ओके अर्थ एम्परर, एक अच्छा खासा स्किल्स मिला मुझे अर्थ एम्परर का। फैलरिस निकल चुका है, नाइस। काफ़ी सारे चाहिए फैलरिस, फैलरिस को भी मैक्स करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। और देखो बस मैंने कंडेंसर भी लगाया है इस वाले बेस में, ठीक है ना। अभी काफ़ी सारे इनक्यूबेटर चाहिए। रुको मैं पहले तो इनक्यूबेटर थोड़ा सा और यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ यार। इधर ही कर देते, नीचे ही कर देगा, नीचे ही भी कर सकता हूँ यहाँ पे। इधर कहीं पे तो करना पड़ेगा यार, इतना सारा एक इनक्यूबेटर कहाँ पे लगाऊँ मैं। मुझे 50-60 एक इनक्यूबेटर चाहिए एक साथ में। अच्छा मटेरियल ख़त्म हो चुका है अभी फ़िलहाल। अब देखो इस सारे एक इनक्यूबेटर में मैंने एक रख दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इनक्यूबेटर कम पड़ रहा है, तो मुझे अभी और भी एक इनक्यूबेटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर हम लोग सारे एग्स को एक ही साथ में निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं, मेरे पास काफ़ी सारे एग्स आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो कितने सारे एग्स पहले से पड़ा हुआ है यार, ठीक है, बहुत सारे एग्स पहले से पड़ा हुआ है। तो सबको मैं बाद में निकालने वाला हूँ एंड चेकआउट करने वाला हूँ कौन से पोकेमॉन यहाँ से निकलता है। रुको रुको रुको, यहाँ पर सबसे पहले मैं अलग ही एक वो लगाता हूँ, ठीक है ना, इनके लिए अलग से चेस्ट बनाएंगे, ठीक है। लार्ज कंटेनर बनाते हैं यहाँ पे, और एक जो होने वाला है ये बॉस पोकेमॉन यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है, बना दे भाई। ये सारे एक जो है वो बॉस पोकेमॉन के एक है। लार्ज आर्ट डार्क एक, नहीं ये तो नहीं था भाई, डार्क एक नहीं था। यहाँ पे बनाते हैं एनोबिस यहाँ पे फटाफट। यार एनोबिस यहाँ पे बनाने क्यों नहीं आ रहा है? और आई थिंक मैंने थोड़ा बाहर लगा दिया, इसको थोड़ा अंदर डालना पड़ेगा। इधर इधर बना देगा आई थिंक, इधर तो बना दे। ओए जल्दी फटाफट बनाने। ओके आ रही है, अब आ रहा है। अच्छा वो बेस के बाहर थोड़ा चला गया था ना, इसीलिए वो शायद बना नहीं रहा था। अच्छा अच्छा उसको भूख लगाया भाई, क्या बात है, भूख लग जाता है इसको काम करते करते। यहाँ पर थोड़ा सा मैं खाना रख देता हूँ इनके लिए। ओ तेरी भाई, ह्यूज डार्क एक मिला है मुझे, नाइस। एक डार्क एक निकल चुका है यहाँ से। देखते हैं गाइस अभी ह्यूज डार्क एक क्या मिलता है, इससे कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है भाई, इससे कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है वो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। अच्छा उधर भी एक ह्यूज डार्क एक था ना, उधर भी था ये वाला, वो सेम डार्क है क्या? नहीं नहीं ये लार्ज है, वो ह्यूज वाला था। तो गाइस मैं सारे बॉस पोकेमॉन का अंडा यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहीं पे रखने वाला है। सबको कलेक्ट करना पड़ेगा फिलहाल। यहाँ से निकलता है ग्रिस बोल्ट। फिलहाल के लिए हमें 2 पोकेमॉन मिल चुका है बॉस पोकेमॉन। एक तो मिला है ग्रिस बोल्ट, मुसंडा और रेहोन से हम लोगों को मिला है ग्रिस बोल्ट, और मिला है लेलिन, मिला है मुसंडा और पैटिला से हम लोग को मिला है लेलिन। ओके जो हमें ह्यूज वर्डेड एक से मिला है, ठीक है, एंड हमें यहाँ से मिला है एक फैलरिस जो हमें ह्यूज सॉर्चिंग एक से मिला है। फिलहाल
हम लोग को और दो बॉस को निकालना पड़ेगा एंड आई थिंक वो दो बॉस इनमें से एक निकालने वाला है एंड और एक बॉस निकलने वाला है इन दोनों से, ठीक है। जो अब अभी भी मैंने एक एक इनक्यूबेट होने दिया है वहाँ पे, देखते हैं इन सबसे कौन सा पोकेमॉन निकलता है। फिर हमें जैसे ही सारे बॉस मिल जाएगा उसके बाद मैं उन सारे बॉस को मैक्स करने वाला हूँ एंड फिर उनके साथ में वो जो टावर बॉसेस देखा था आप लोगों ने शुरुआत में उनके साथ फाइट कराने वाला हूँ। फिलहाल तो सारे अंडे को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि इनको मैं एक ही साथ में निकालने वाला हूँ। अभी एक एक करके निकालूंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक साथ में निकालना पड़ेगा इनको। ओके, ये इनक्यूबेट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, ये लगभग 20 मिनट्स ले रहा है इनक्यूबेट होने में। अभी इसको 17 मिनट चाहिए और ओके। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं अपने साथ ग्रिस्बोल्ड और लैलिन को ला चुका हूँ इस छोटे से आइलैंड में। फिलहाल मैं ग्रिस्बोल्ड को अपने आगे छोड़ता हूँ भाई, देखता हूँ ग्रिस्बोल्ड किस तरीके से अटैक दे रहा है सारे पोकेमॉन के ऊपर। फिलहाल 38 लेवल का यहाँ पर एक मेमोरिस्ट है भाई, 30 लेवल के साथ क्या एक लेवल का ग्रिस्बोल्ड फाइट ले पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल तो इसका थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, देखते हैं किस तरीके से अटैक देता है। ओ भाई, सैंड फेंक के मार रहा है, नाइस यार, इलेक्ट्रिक अटैक दे रहा है। अभी इसके अटैक्स काफ़ी पावरफुल नहीं है वैसे तो, इसके अटैक्स सारे मुझे पावरफुल बनाना पड़ेगा। देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक अटैक दे रहा है, 5 लेवल चिकी को कोई मार ही नहीं पा रहा है भाई। मार यार फटाफट से मार, तू एक टावर बॉस है। ओके फाइनली बढ़िया सा अटैक दिया इसने। रुको रुको रुको, अभी इसके आगे एक लैलिन को छोड़ता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास और एक लैलिन है, देखते हैं इसका अटैक कैसा है इसके आगे। ओ भाई, ये भी रॉक फेंक के मार रहा है। अच्छा, इसके पास सीट ब्लास्ट का वो अटैक है, ये देखो सीट फेंक के मार रहा है। अरे अरे अरे, और एक चिक्की भी मेरे पीछे पड़ चुका है, और एक चिक्की भी मेरे पीछे पड़ चुका है। चलो, ओ भाई इनका लेवल अप भी हो रहा है, धीरे धीरे इनका लेवल अप भी हो रहा है। इनका साथ थोड़ा सा फाइट भी कराना पड़ेगा दूसरे पोकेमॉन का, जैसे इनका लेवल अप हो जाएगा ना तो सही रहेगा। देखो ये देखते देखते 6 लेवल का हो चुका है और अपना ग्रिस्बोल्ड भी 6 लेवल का हो चुका है भाई। देखो आगे और काफ़ी सारे छोटे छोटे पोकेमॉन, इनके साथ भी उनका फाइट कराता हूँ। देखो ग्रिस्बोल्ड को छोड़ता हूँ, ग्रिस्बोल्ड क्या करता है देखता है। चल बेटा ग्रिस्बोल्ड, मार इनको, तेरा लेवल अभी 6 हो चुका है, जल्दी जल्दी इनका लेवल अप हो रहा है अभी। ओके, काफ़ी आसानी से मार रहा है। जब इनका लेवल एकदम फुल मैक्स हो जाएगा ना, मैं इनको कराने वाला हूँ 4 स्टार तक। देखो देखो इनके बगल में 4 स्टार है, ठीक है ना। इनको जैसे मैं 4 स्टार करा दूंगा इसका पावर काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। अरे अरे, कौन मार रहा है मुझे भाई, तू क्यों मार रहा है मुझे? अरे अरे अरे, अरे अपने ग्रिस्बोल्ड को तो ये मार ही देगा ऐसा लग रहा है भाई। भाई ये अपने ग्रिस्बोल्ड को मार ही देता अभी थोड़ी देर में। बेटा तू मुझे मारेगा? आजा आजा, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी भाई। चलो गाइस, हम लोग अभी फिलहाल चलते हैं अपने ब्रीडिंग बेस में, देखते हैं तीसरे एग से कौन सा पोकेमॉन निकलता है। फाइनली क्या ये कंप्लीट हुआ है? यार ये अभी भी कंप्लीट हुआ है। फाइनली गाइस, ये वाला केक इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको फटाफट से ओपन करते हैं एंड इससे कौन सा पोकेमॉन निकलता है वो देखते हैं। चलो फाइनली 1, 2 और 3 भाई। अच्छा, यहाँ से हम लोग को मिला गया सैडोविक। सैडोविक मेरे पास अभी फिलहाल 2-2 आ चुका है। अभी तक मेरे पास एक ही सैडोविक था जिसको मैंने पकड़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। एंड 4th पोकेमॉन कौन सा निकलता है? ग्रिस्बोल्ड और ये कौन सा है, लिरक्सरस, सॉरी ग्रिस्बोल्ड एंड लिरक्सरस से हम लोग को मिला है कि ह्यूज ड्रैगन एक। आई थिंक यहाँ से ड्रैगन वाले कुछ तो मिलेगा। ड्रैगन वाले कौन है? ड्रैगन वाला सैडविक तो निकल गया, ग्रिस्बोल्ड भी निकल गया और एक बॉस है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ यार। सो फाइनली गाइस, यहाँ से मुझे मिला है फेलरिस, यहाँ से मुझे मिला है ग्रिस्बोल्ड एंड यहाँ से मुझे मिला है लेलिन और यहाँ से सैडविक। और गाइस अभी निकलना बाकी है और जग, जो कि ह्यूज ड्रैगन एग से निकलने वाला। आई थिंक यह 5th बॉस है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 4 बॉस निकालेंगे लेकिन मैंने फिर बाद में देखा कि 5 बॉस है इस पूरे मैप के अंदर। अभी फिलहाल इनको पहले निकलने देते हैं, फिर देखते हैं इनके पास कौन से स्किल्स मिलता है हमें, ठीक है। और वो देखो सैडविक आ चुका है, ठीक है। इसके पास जो स्किल्स है ना भाई, इसका स्किल्स क्या है देख लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं। इसके पास स्किल है माइन फोर मैन का स्किल्स है भाई, कुछ अच्छा खासा और भी स्किल्स चाहिए था। इस स्किल्स से क्या होने वाला है मुझे, वैसे पहले देख लेता हूँ इस स्किल्स के क्या होने वाला है। अच्छा, आर्थ अटैक डैमेज 20% इंक्रीज हो जाएगा इससे।
ओके और एब नॉर्मल से क्या होगा, 10% डिक्रीज होगा जो हमारा डैमेज है, उस 10% डिक्रीज टू इनकमिंग नेचुरल डैमेज, ओके जो हमें अटैक करने वाला है वो सारे अटैक्स हमें 10% कम होने वाला है। ड्रैगन अटैक डैमेज 10% इंक्रीज हो जाएगा ब्लड रूफ ड्रैगन से, क्या बात है, ये अच्छा स्किल्स है वैसे, काइंड ऑफ तीनों ही अच्छे स्किल्स है। पहले तो सारे विक्स को इनक्यूबेट करेंगे, उनमें से जो सबसे अच्छे स्किल्स वाला पोकेमॉन होगा उसको हम लोग मैक्स करेंगे। ओके चार बॉस मिल चुका है, ग्रिसबोल्ड, सैडोविक, फेलरिस, लेलिन, ओके बस ओजक का निकलना बाकी है। यार कोई अच्छा सा स्किल्स वाला मुझे ग्रिसबोल्ड नहीं मिल रहा है, वैंगर्ड वैंगर्ड सारे में वैंगर्ड मिल रहा है भाई, यहाँ से क्या निकलने वाला है देखते हैं। देखो लेलिन मिला है एंड इसके पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, और मुझे अच्छा स्किल्स वाला चाहिए था, वैंगर्ड नहीं चाहिए था भाई। देखो क्या डिनिटी एटर किया, क्या स्किल्स है ये सारे। और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, सीम्स जस्ट लिटिल कोल्ड, आई थिंक मुझे यहाँ पे फायर जलाना पड़ेगा कुछ, तो आग लगाते हैं यहाँ पे, रुको कैंप फायर लगा देता हूँ फिर ठीक हो जाएगा, आई थिंक सो इन दोनों के बीच में लगाता है कैंप फायर। अनुवीज भाई जल्दी जल्दी बना दे, चलो सीम्स वेरी कंफर्टेबल, ओके फिर तो ठीक है, ऐसा भी होता है क्या, आग लगा दिया ठीक हो गया, अब जल्दी जल्दी हो रहा है वरना थोड़ा सा लेट हो रहा था। ओ भाई काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, उसके बाद जाके ये दोनों एक कंप्लीट हो चुका है इनक्यूबेशन, और पहले तो निकालते हैं। ओके मैंने जो सोचा था और जग निकलने वाला है वो ही निकला यहाँ से, लेकिन यार कुछ खास अच्छा स्किल्स नहीं मिला। ओ भाई स्वीट वाला स्किल मिला इससे, एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटजिस्ट भी मिला, नाइस अच्छे स्किल मिला, एक से तो अच्छे स्किल्स मिला मुझे स्वीट वाला। फिलहाल गाइस आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे ज़रूर से बताना कमेंट पे, एंड इनका लेवल अभी फिलहाल बहुत ही कम है, देखो आप लोग देख सकते हो ये 14 लेवल का हो चुका है, ये 12 एंड अभी फिलहाल मैंने जो ऑर्जैक को निकाला है ये एक अल्फा ऑर्जैक पोकेमॉन है, और इसका लेवल तो गाइस 1 लेवल है ठीक है ना। इन सारे पोकेमॉन्स को मैं फिलहाल के लिए करने वाला हूँ पूरे के पूरे 4-स्टार लेवल, सारे के सारे जितने भी बॉस पोकेमॉन है सारे बॉस पोकेमॉन्स को, और फिर सारे बॉस पोकेमॉन के साथ मैं इनका फाइट कराऊंगा, और वो वाला एपिसोड होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, तो उसके लिए तो भाई नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को जरूर से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइस जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब वाले बटन पे ठोक दो, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे बहुत ही जल्दी मिलने वाला है इनको मैक्स करने के लिए और उन सारे टावर बॉस के साथ फाइट करने के लिए। तो गाइस मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय-बाय।